हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं और ये जो मैंने ओढ़ रखा है इसे क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने ओढ़ रखा है इसे तो रंगीली पिछौड़ी कहते हैं और ये उत्तराखंड का परिधान है। और बाकी ये मांग टीका और नथ हो गया, जो कि नॉर्मल सा ही आप लोग जानते ही हैं। और आज मैंने ऐसे कपड़े इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि मैं उत्तराखंड के एक लोक पर्व पर वीडियो बना रही हूँ। आपने देखा होगा कि जो लोग अपने घर से बाहर रहते हैं वो अपने साथ अपने धर्म और अपनी संस्कृति को भी लेकर जाते हैं, और जो इंडियंस विदेश में रहते हैं वो होली, दिवाली और यहाँ का कोई भी त्यौहार हो वो हमसे ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। आज ये सारी बातें मुझे इसलिए याद आई क्योंकि मैंने दिल्ली के मयूर विहार में नंदा सुनंदा देवी के कलश यात्रा और शोभा यात्रा देखी। बाप रे, मैं आपको क्या ही बताऊँ, वहाँ पर इतने सारे उत्तराखंडी आए थे ना कि मुझे तो वो देख के डाउट हो गया कि हम लोग दिल्ली में हैं या उत्तराखंड में। परदेश में अपना देश इसी को कहते हैं। जड़ों से दूर रहकर अपनी जड़ों से जुड़े रहना इसी को कहते हैं। नौकरी और रोजी रोटी की चाह भले ही उत्तराखंड से दिल्ली ले आई हो, लेकिन अब भी दिल में उत्तराखंड बसता है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में निकाली गई इस नंदा देवी यात्रा को देखकर तो ऐसा लगता है कि इन लोगों में अब भी अपने धर्म, अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को लेकर कितना समर्पण है। हर साल राधा अष्टमी के दिन नंदा देवी की कलश यात्रा निकाली जाती है। नंदा देवी मंदिर से शुरू होकर ये कलश यात्रा मयूर विहार फेज 3 मार्केट, बद्रीनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर होते हुए करीब 3-4 किलोमीटर का सफ़र तय कर फिर नंदा देवी मंदिर पहुंची है। मयूर विहार फेज 3 के कई इलाकों से होती हुई ये कलश यात्रा फिर वहां के मंदिर में पहुंची। क्योंकि कलश यात्रा के आयोजकों को ये पहले से ही पता था कि यहां पर बहुत सारे लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही बहुत सारी व्यवस्था कर रखी थी। मंदिर के बगल के जो ग्राउंड है उसमें उन्होंने एक टेंट लगा रखा था और काफ़ी अच्छे से व्यवस्था कर रखी थी। पहले वहाँ पर भजन कीर्तन हुए और उसके बाद भंडारा। भंडारा तो आखिर में हुआ, लेकिन भंडारे से पहले जमकर भजन कीर्तन हुआ। महिलाओं में तो कुछ ज़्यादा ही जोश दिखा। वैसे भी धर्म कर्म के मामले में महिलाएं ही आगे होती हैं। इन महिलाओं के भजन सुनिए, सुर मत सुनिए, भावना देखिए। आखिर में भंडारे के साथ नंदा देवी यात्रा का समापन हुआ, इस वादे के साथ कि अगले साल नंदा सुनंदा देवी की पालकी और कलश यात्रा और भी भव्य हो। नंदा सुनंदा कलश यात्रा को देखकर तो काफी अच्छा लगा, लेकिन सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन क्योंकि दिल्ली के जमुना पार इलाके में उत्तराखंडी लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, खास करके वेस्ट विनोद नगर और ईस्ट विनोद नगर में बहुत सारे पहाड़ी लोग रहते हैं, इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम यहीं पर ही देखने को मिलते हैं। अगली बार मुझे भी मौका मिला तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। लेकिन आप बताइए कि आपको नंदा सुनंदा कलश यात्रा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।